एबीपीएस न्यूज। ग्रामीण अंचल की स्थितियों को देखते हुए एबीपीएस टीम का सफर जनपद बुलंदशहर के एक ऐसे गांव पहुंचा जहां पर जूनियर हाई स्कूल में मात्र 8 बच्चे पंजीकृत हैं। शिक्षा के स्तर का यही पता चल जाता है कि वर्तमान सरकार में भी शिक्षा इतनी अच्छी नहीं हो पाई है जो लोग सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाना पसंद करें। यहाँ की जो ग्राम प्रधान है उनका नाम राजकुमारी है, जिन्होंने अपने कार्यकाल में गांव में तो तमाम काम करा दिए और स्कूलों में भी काम कराए, लेकिन इसके बावजूद भी शिक्षा के स्तर में सरकारी तरफ से कोई मदद न मिलने के कारण जूनियर हाई स्कूल में केवल 8 बच्चे पंजीकृत हैं। वहीं प्राइमरी की बात अगर की जाए तो आसपास के गांव से आने के बाद में कुल बच्चों की संख्या 150 हो जाती है। बताते चलें कि इस गांव की आबादी स्वयं में 2600 है, जहां पर मात्र 8 बच्चे जूनियर हाई स्कूल में पंजीकृत होना काफी अलग दिखाई देता है और इस बात पर ताज्जुब भी लोगों को होता है कि मात्र 8 बच्चे ही जूनियर हाई स्कूल में पंजीकृत हैं, जबकि टीचरों की अगर बात की जाए तो कम से कम 2 अध्यापक यहां पर पढ़ाने पर लगाए गए होंगे, लेकिन वो 2 अध्यापक यहां 8 बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देते हैं, जबकि तमाम स्कूल ऐसे भी हैं जहां बच्चों की संख्या तो काफी है लेकिन शिक्षा मित्र ही उस स्कूल में काम कर रहे हैं। ग्राम प्रधान द्वारा कराए गए कामों के बारे में पूछने पर ग्राम प्रधान ने बताया कि उन्होंने अपने गांव में इंटरलॉकिंग के 5 रास्ते खड़ंजा मरम्मत, पड़ंजा से खड़ंजा बनवाया, साथ ही साथ 12 रास्तों का निर्माण उन्होंने कराया है। 75 शौचालय भी लोगों को ग्राम प्रधान द्वारा दिलाए गए हैं। पंचायत घर में भी उन्होंने काम कराया है। स्कूल में इंटरलॉक और शौचालय की व्यवस्था भी ग्राम प्रधान द्वारा कराई गई है। तो इसके अलावा जब बात आवास की आई तो उन्होंने बताया कि मात्र 2 आवास ही उनको मिल पाए हैं और अभी कम से कम 30 आवासों की गांव में और आवश्यकता है। इसके साथ साथ आवश्यकताओं की बात पर उन्होंने कहा कि बारात घर के अलावा गांव से दूसरे गांव जाने का रास्ता भी खराब है, जिसकी मरम्मत से काम नहीं चलेगा, यहां नई सड़क बनवाना बेहतर होगा। स्वास्थ्य केंद्र की बात पर उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य केंद्र भी हमारे गांव की जरूरतों में शामिल है, तो वहीं आंगनवाड़ी केंद्र और 200 सौर ऊर्जा लाइट व LED की भी मांग उन्होंने रखी है। तहसील डिवाई 12 रिपेयरिंग। प्रधान पति छोटे लाल ग्राम प्रधान की हैसियत से खैरपुर ब्लॉक डिवाई सबसे पहली मांग के मेरी ये है कि खैर कुंडवा चौराहे से जो डिवाई से मार्ग आया हुआ है उसकी रास्ता कुंडवा चौराहे तक बनी हुई है। तार की सड़क आज तक लगभग 2 किलोमीटर के आसपास टुकड़ा है जो खैरपुर तक है वो आज तक नहीं बन पाया और खड़ंजा है उस पर और जज्जर हो चुका है। सबसे पहली मांग मेरी ये है। दूसरी मांग ये है कि जो शौचालय हैं उनमें आज तक हमारे 2 गांव में केवल 75 का पैसा आया है और करीब करीब हम 75 क्षेत्र ही बना चुके हैं। तीसरी मांग आज तक हमारे ग्राम पंचायत में कोई भी बड़ा घर नहीं है। तीसरी मांग मेरी ये है कि कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, कोई आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है और कोई भी ऐसा खेल का ग्राउंड तो है और उसमें आज तक भी कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ कि जो भी पब्लिक देख जब बढ़ जाता हूँ मिल जाते हैं केवल एक बार जो उमरवा तक सड़क आ गई है जो गाँव खैर के लिए क्योंकि जाटों का गाँव है इसे कोई नहीं देखता। 2014 में जहाँ को बहिष्कार करा था और फिर 2000 जो विधायक सांसद के चुनाव आए थे उसमें भी चुनाव की मतलब बहिष्कार किया था। अब जो विधायक के चुनाव हुए उसमें बहिष्कार करने की योजना बनाई थी उसके लिए तहसीलदार जी और SDM साहब आए, उन्होंने बहिष्कार पब्लिक को शांत किया, पोलिंग हुई। उसके बाद भी आज तक भी 2 साल के लगभग 1.5-2 साल आएंगे विधायक की VSTL को जीते हुए आज तक हमारे गाँव में कोई काम नहीं। एप्लीकेशन में विधायक भी दे चुके हैं, सांसद जी भी दे चुके हैं, प्रधानमंत्री की भी कई बार, नरेंद्र मोदी जी की कई बार हम मतलब फैक्स जवाबी रजिस्ट्री कर चुके हैं, हमारी सुनवाई आज तक नहीं हुई। कोई भी प्रशासन हमारी सुनवाई नहीं करता। अगले चुनाव में हमारे गांव खैरपुर के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जब तक ये रोड नहीं बनेगा तो हम बोलेंगे अब तक वोट नहीं गिरेंगे। हम जो कि जो प्रत्याशी आ गए उसके भी साथ बदतमीज कर सकते हैं या प्रशासन के भी साथ बदतमीज कर सकते हैं। तब तक हमारी सड़क नहीं पड़ेगी, तब तक हमारे यहाँ कोई पोलिंग बूथ नहीं लगाया। ये हमारे गाँव के समस्त ग्रामवासियों की कहना होता है।